इस पे 50,000 देना होगा भैया। 50,000 कोई भी डाउन पेमेंट कीजिए, कोई भी गाड़ी लेकर जाइए। 50,000 जमा कर गाड़ी छोड़ दीजिएगा। हाँ, सच में? सच में। तो चलिए 50,000 रुपया लेकर आइए। और इस गाड़ी का माइलेज, अच्छा इन सब गाड़ियों का भी क्या माइलेज चल रहा है, क्या माइलेज दे रही है सब गाड़ी अभी? ये माइलेज है, ये ट्रॉली के लिए है। हाँ, 1 लीटर में 14 किलोमीटर चलेगी, एक ट्रॉली पे चलेगी। इसमें भी आप 50,000 दीजिए, लेके जाइए 10-35। यहाँ पे भी आप सबके लिए ये दोनों टोनर है क्या? जी दोनों टोनर है। अच्छा ये दोनों टोनर है। कितने एचपी की गाड़ी होगी अपनी? ये 50 एचपी का गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग। चलिए 50 एचपी की गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग गाड़ी हो जाएगी। इसमें कितना जमा करना पड़ेगा इसके बारे में? 50,000। इसको दिखाएं थोड़ा सा। इस गाड़ी पे 50,000 रुपया जमा कीजिए और इस गाड़ी को लेके जाइए। 50,000 जमा करके अगर आप इस गाड़ी का मालिक बन सकते हैं। और जो सामने में गाड़ी देख रहे हैं, दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे आज मैं आप सभी को फिलहाल लेकर पहुंचा हूं अभी गोपालगंज में। और गोपालगंज में आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं गोपालगंज से आप सभी के लिए बहुत सारी सेकंड हैंड ट्रैक्टर। फिलहाल अगर हम बात कर ले तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ हिंद ट्रैक्टर गोपालगंज में, और यहाँ से मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ न्यू ट्रैक्टर एंड सेकंड हैंड ट्रैक्टर। अगर सेकंड हैंड ट्रैक्टर की बात कर ले तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं आप सबके लिए मेसी खड़ी है, महिंद्रा की ट्रैक्टर खड़ी है। पूरी ट्रैक्टर के बारे में हम डिटेल बताएंगे एक एक करके कि इस बार आप सबको क्या कुछ रेट में गोपालगंज में सेकंड हैंड ट्रैक्टर मिलने वाला है। बहुत हमारे व्यूअर्स बहुत दिनों से लगातार कमेंट करते हैं कि शिवम भाई आप कहीं बाहर जाकर वीडियो दिखा रहे हैं, आप अपने गोपालगंज में दिखाएं कि भाई हम कम रेट में कहाँ से सेकंड हैंड ट्रैक्टर की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप सभी अंत तक देखिएगा। अच्छा एक चीज और हम आप सबको बताना चाहेंगे, अगर आपके पास मात्र 50,000 रुपया है तो 50,000 में आपको यहाँ से ट्रैक्टर मिलेगा। कैसे मिलेगा पूरा डिटेल जानने के लिए आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहिए। भैया बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? जी ठीक है। भैया सबसे पहले एक बार बताया जाए कि अपना हिंद ट्रैक्टर्स गोपालगंज जिले में कहाँ स्थित है? ये तुलकाहा रोड के पास स्थित है। हाँ, तुलकाहा रोड। हाँ। अगर हम बात कर ले यहाँ का आने का एड्रेस, सबसे पहले हम आपसे आने का एड्रेस बता देते हैं। ये जो आप मार्ग देख रहे होंगे गोपालगंज से मीरगंज की तरफ जाने वाली मार्ग हो जाएगी। आप जैसे ही भाई किसी से पूछ सकते हैं कि मुझे तुलकाहा पुल जाना है, तुलकाहा पुल से पहले ही आपको ये आपको हिंद ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा। और बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रैक्टर भी आप सबको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि सेकंड हैंड ट्रैक्टर का इस बार क्या रेट रखा गया है। आइए हम दिखाते हैं आप सभी को सेकंड हैंड ट्रैक्टर। देखिए यहाँ पे 241 DI मेसी खड़ी अपनी, और गाड़ी आप देख रहे हैं किस कंडीशन में है, इंटीरियर वगैरह देख लीजिए टायर का। गाड़ी की अगर हम बात करें आगे और पीछे का टायर आपको दोनों अभी बचा हुआ अभी मिलेगा, आगे का थोड़ा सा कम है लेकिन पीछे का बचा हुआ मिलेगा। गाड़ी आपको हरे कुछ इससे सर्टिफाइड है, गाड़ी में हुड वगैरह लगा हुआ है। कितना गाड़ी चला हुआ भैया ये अपनी मेसी? ये गाड़ी 7,000 चला हुआ। 7,000 घंटा? जी। अच्छा 7,000 घंटा जेन्युइन चला हुआ की बता रहे हैं? जेन्युइन है ना? जेन्युइन चला ही है। क्योंकि मीटर से बता रहे? जी, क्योंकि लोग ये चीज कमेंट करते रहते हैं ना कि बिहार में जो गाड़ी सेकंड हैंड सेल होती है तो मीटर के साथ लोग छेड़खानी कर देते हैं, तो वैसा तो कुछ नहीं ना भैया? वैसा नहीं है। अच्छा भैया मॉडल कौन सी हो जाएगी? मॉडल 16 है। 16 की मॉडल है जी। अच्छा रेट कितना रखे इस गाड़ी का? रेट है 3,30,000 रुपया। 3,30,000 रुपया। अच्छा 3,30,000 में गाड़ी पे क्या क्या चीजें दिया जाएगा? ये गाड़ी में आपका हुड है, हिच है, टॉपलिंग है, ये सब। हाँ। जो गाड़ी में है वो आपका। अच्छा एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो हर वगैरह जो नफारा वगैरह होता है ये सब चीजें भी दीजिएगा क्या गाड़ी? अगर गाड़ी के साथ आया होगा तो हम आपको दे देंगे। अच्छा इसी गाड़ी के साथ मौजूद है कि नहीं? अभी नहीं, अभी इसके गाड़ी के साथ मौजूद नहीं है। चलिए जिस गाड़ी के साथ मौजूद होगा उसको गाड़ी के साथ दिया जाएगा। तो 3 लाख कितना रखे? 30,000। 3,30,000 में आपको ये गाड़ी दिया जाएगा। कौन सी मॉडल की गाड़ी बताए भैया? 16 मॉडल। 16 मॉडल की गाड़ी है। बाकी आप लोगों ने इंटीरियर गाड़ी का देखा, और अगली गाड़ी की बात कर ले 241 ये भी अपनी मेसी हो जाएगी, सेंटर गियर है। और सेंटर गियर के साथ आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। आप इस भी गाड़ी में हुड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बात कर ले टायर की कंडीशन, कितना पैसा तक टायर बचा हुआ है तो आगे के आप लोग देख रहे होंगे और पीछे का देख रहे होंगे, लेकिन आप सबको अंदाजा लग गया है कि भाई कितना कौन सा बचा है। लेकिन हम आप सबको बता देते हैं भाई आगे का थोड़ा सा कम है लेकिन पीछे का बचा हुआ है। जिस कंडीशन में गाड़ी है वो चीज हम लोग आप सबको बता रहे हैं। अच्छा भैया एक चीज और बताइए ना, सेकंड हैंड जो आपके यहाँ से ट्रैक्टर मिलेगा लोगों को, उन सब गाड़ियों पर लोन वगैरह होगा कि नहीं? नहीं, वो कैश जो रेट बता रहे उस रेट उसमें से कम हो जाएगा, आपके थ्रू से आएंगे तो कुछ कम हो बस कम हो जाएगा, लेकिन फाइनेंस नहीं होगा। फाइनेंस नहीं होगा। अच्छा इस गाड़ी के बारे में डिटेल बताइए। ये 2010 मॉडल है। अच्छा 10 की है। हाँ, 2.5 लाख रुपए प्राइस रखे हुए हैं लोग। हाँ हाँ जी, पूरा 2.5 लाख फिक्स है? फिक्स नहीं है। हाँ। उसमें कुछ कम हो जाएगा। अच्छा चलिए 2.5 लाख रुपए इस गाड़ी का रेट रखा गया, जिसमें आपको ऑल पेपर अप टू डेट करा के और कुछ कम करा के आपको गाड़ी में दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख फिक्स है, लेकिन उसके लिए एक बार आप विजिट कर सकते हैं ऑन टेबल आके, जब बैठ के बात करेंगे ना तो भाई कुछ डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि भाई सेकंड हैंड ट्रैक्टर है तो फिक्स रेट गाड़ियों का नहीं होता है। मैं बार बार आप सबको ये चीज बताता रहता हूँ। और यहाँ पे देखिए 265 DI अपनी खड़ी है, और इसमें गाड़ी में हुड वगैरह लगा हुआ है, और गाड़ी ये भी आपको बची हुई मिलेगी। अगर चाहते एग्रीकल्चर में लेकर गाड़ी को चलाना है या फिर खेती
गृहस्थी का काम करना तो इजिली कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी गाड़ी का मेन चीज होता है भाई इंजन। अगर इंजन गाड़ी का सही है तो ऊपर से किसी भी तरह का गाड़ी हो, लेकिन इंजन भाई दम होना चाहिए। लेकिन गाड़ी आपको बचा हुआ मिलेगा जिस कंडीशन में है, वो कंडीशन में तो आप सबको दिखा रहा हूँ। भैया इस गाड़ी के बारे में डिटेल बताइए। तो ये महिंद्रा 265 है, ये 2012 मॉडल है, 12 की है जी, ठीक है। और रेट वगैरह कितना रखे हैं? रेट इसका 240,000 पर रखे, 240,000 उसमें कोई डिस्काउंट भी हो जाएगा। अच्छा भैया पेपर वगैरह को लेकर, पेपर सब कुछ पेपर सारा गाड़ी को आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अच्छा ये सब जो आप सेकंड हैंड में ट्रैक्टर दिखा रहे हैं ना, ये सब ट्रैक्टर तो एक्सचेंज की होती है? हाँ, एक्सचेंज, मतलब ये पुरानी ट्रैक्टर जमा करके और यहाँ से नई ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, ये फैसिलिटी है आप सभी के लिए। अच्छा आइए हम आपसे नए ट्रैक्टर के ऊपर चलते हैं। और हमने आपसे को बताया कि अगर आप 50,000 रुपए इस बार लेके आते हैं ना, तो आपको यहाँ से ट्रैक्टर लेके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 10-35 अपनी खड़ी है, DI हो जाएगी गाड़ी का। आप लोग इंटीरियर देख सकते हैं, कंपनी अभी कुछ इस तरह से इस गाड़ी को बना रही है। लेकिन गाड़ी का हम पूरा आपको आस्किंग रेट नहीं बताएंगे, आस्किंग रेट जानने के लिए आपको विजिट करना होगा एक बार शोरूम पे। हम लोग डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। इस पे 50,000 देना होगा भैया? 50,000 कोई भी डाउन पेमेंट की, कोई भी गाड़ी लेकर जाइए, 50,000 जमा कर गाड़ी छोड़ दीजिएगा। हाँ, सच में? सच में। तो चलिए 50,000 रुपए लेकर आइए और इस गाड़ी का मालिक बनिए। अच्छा 50,000 के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाएंगे लोन कराने के लिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक चेक बुक लाएंगे और दो फोटो, बस मिनिमम डॉक्यूमेंट को फाइनेंस कर रहे हैं। तो आप सभी को मिनिमम डॉक्यूमेंट पे यहाँ से फाइनेंस पे भी गाड़ी मिल जाएगा। और ये देख लीजिए, अच्छा इन सब गाड़ियों का भी क्या माइलेज चल रहा है, क्या माइलेज दे रही है सब गाड़ी अभी? ये माइलेज है, ये ट्रॉली के लिए है। हाँ, 1 लीटर में 14 किलोमीटर चलेगी, एक ट्रॉली पे चलेगी तो सिर्फ रोड पर, एक ट्रॉली पर रोड पर 1 लीटर में 14 किलोमीटर पर चलेगी। अच्छा 14 किलोमीटर चलेगी। हाँ, ये कंपनी का कहना है ना भैया? हाँ, कंपनी। अच्छा इस पे तो भी 50,000 देना होगा? जी हाँ, कोई भी गाड़ी ले आइए, 50,000 पर डाउन पेमेंट, कोई भी गाड़ी दे देंगे। मतलब सीधे कहना है कि भाई कोई भी गाड़ी आप यहाँ से लेके जाइए, 50,000 रुपए लेकर आए, कोई भी गाड़ी लेके जाइए। जैसे कि यहाँ पे 240 भी खड़ी है, इसके लिए भी आप 50,000 रुपए लेकर आइए और इस गाड़ी को लेके जाइए। अच्छा इसका क्या माइलेज है अभी? इसका तो माइलेज है, चलिए इसके बारे में हम पूरी डिटेल, जैसे हमने बताया कि भाई एक बार आप शॉप पे विजिट कर सकते हैं, लेकिन हम आप सबको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर मौजूद है। हम एक एक ट्रैक्टर करके आप सबको बारीकी से दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टोनर भी मौजूद है 10-35 में, इसमें भी आप 50,000 दीजिए लेके जाइए 10-35। यहाँ पे भी आप सबके लिए ये दोनों टोनर है क्या? जी दोनों टोनर है। अच्छा ये दोनों टोनर है, इन पे तो कोई भी हम एग्रीकल्चर का कोई भी मशीन यूज कर सकते हैं, इजली कोई दिक्कत नहीं है। जी कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, आप इजली आप ले सकते हैं। ऑफर भी चल रहा है, ऑफर है बता दीजिए। 6,51,000 रुपए में, 6,51,000 की गाड़ी अभी पड़ रही है, तो कुछ ऑफर भी है गाड़ी पे। बाकी सामने में देख लीजिए कुछ और भी आप सभी के लिए यहाँ पे न्यू ट्रैक्टर खड़ी है। तो ये जो ट्रैक्टर हम आप सबको दिखा रहे हैं सब न्यू ट्रैक्टर है। अच्छा ये कितने एचपी की गाड़ी होगी अपनी? ये 50 HP का गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग। चलिए 50 HP की गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग गाड़ी हो जाएगी। इसमें कितना जमा करना पड़ेगा इसके बारे में? 50,000 इसको दिखाए थोड़ा सा। इस गाड़ी पे 50,000 रुपये जमा कीजिए और इस गाड़ी को लेके जाइए। 50,000 जमा करके अगर आप इस गाड़ी का मालिक बन सकते हैं, और जो सामने में गाड़ी देख रहे हैं इस पे भी आप उतना ही 50,000 जमा करके और इस भी गाड़ी का मालिक बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप सभी हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुआ होगा कि भाई अगर आप मेसी में न्यू ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आपको कितना डाउन पेमेंट देना होगा, कितना डाउन पेमेंट पर आपको गाड़ी मिलेगा। लेकिन हम लोग गाड़ियों का पूरा आस्किंग रेट आप सबको नहीं बताया कि किस गाड़ी का कितना प्राइस है, लेकिन हम डाउन पेमेंट बताए हैं और जो सेकंड हैंड गाड़ी थी उसका रेट बताया है। तो अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, उस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और चलिए मैं आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी ऐसे नया वीडियो लेकर आप सबके बीच, बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।